students welcome again to your English class as we are discussing about the necklace. In the previous lecture we have discussed about the half story of the chapter the necklace. Let's continue the chapter reading. She tried the jewels before the glass hesitated but could neither decide to take them nor leave them. ठीक है तो वो वहाँ पर बहुत सारे ज्वेल्स जो है देखती है जब डिब्बे में तो वो सारे ज्वेल्स जो है ट्राई करती है मिरर के आगे देखती है ख़ुद को और वो हेज़िटेट करती है वो कंफ्यूज होती है उसको समझ नहीं आता है कि उनको ले लिया जाए या हम वहीं पे छोड़ दिया जाए ठीक है वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी देन शी आस्क नथिंग मोर वाई येस लुक फॉर योर सेल्फ आई नॉट नो वट विल प्लीज यू तो अब वो उसको बोलती है कि तुम्हारे पास कुछ और है इसके अलावा तो वो कहती है मैम फॉर कि हाँ और भी है तुम अपने आप से देखो जो तुम्हें पसंद आए ले लो क्योंकि मुझे नहीं पसंद है कि तुम्हें क्या पता होगा दैन सडनली शी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक सेट इन बॉक्स अ सुपर्प नेकलेस ऑफ डायमंडस हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी टुक इट आउट शी प्लेस इट अबाउट हर थाट अगेंस्ट हर ड्रेस एंड वॉज एक्सैटिक तो एक सडनली वो जब देखती है कि एक उसको एक सेट इन बॉक्स में एक बहुत अच्छा सुंदर नेकललेस जो है मिलता है जो डायमंड्स का होता है ठीक है हर हैंड स्ट्रैम्बल्ड उसके हैंड जो हैं कपकब आ जाते हैं शेक करते हैं जैसे वो नेकलेस को पकड़ती है क्योंकि वो डायमंड नेकलेस उसने कभी जो है सिर्फ सपने में सोचा होता है जब वो उसको हाथ में पकड़ती है तो वो एक्साइट हो जाती है ठीक है तो जैसे ही वो उसको लेती है और अपने गले पर रखती है देखती है अपनी ड्रेस के साथ मैच करती है तो वो बहुत ही खुश हो जाती है ठीक है एक्सटेस्टिक मतलब जॉयफुल ठीक है तो वो बहुत खुश हो जाती है दैन शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड और वो अपनी फ्रेंड के गले लगती है उसको हक करती है एम्बरेस्ड मतलब हक करना विथ पैशन दैन विंट अवे विद हर प्रेजर तो अब वो उसको हक करती है और उसको जो है बहुत ही खुश हो जाती है वो नेकल्स देख के और वहाँ से वो चले जाती है अपने ट्रेजर के साथ ट्रेजर मीन्स यहाँ पर नेकलेस को एड्रेस किया गया है कि उस टाइम उसके लिए ट्रेजर क्या था वो नेकलेस था जो उसको उसकी ड्रेस की मैचिंग मिल गया था ठीक है तो वो वहाँ पर अपनी फ्रेंड को थैंक यू करके वहाँ से निकल जाती है और वो नेकलेस लेकर बहुत ही खुश होती है देन द डे ऑफ द बाल अराइड मैम ब्लोजल वॉस ग्रेट सक्सेस शी वॉज द ब्रिटेस्ट ऑफ ऑल एलिगेंट ग्रेशियस स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय तो जिस दिन पार्टी होती है वो पार्टी वाला दिन आता है तो मैम लुजैल जो है बहुत ही ज़्यादा खुश है उसको ऐसा लगता है कि मैंने दुनिया का बहुत बड़ा सक्सेस जो है जीत लिया है क्यों क्योंकि वो वहाँ पर सबसे ज़्यादा सुंदर लग रही होती है एलिगेंट लग रही होती है एलिगेंट मीन स्टाइलिश सबसे अच्छी ड्रेस उसकी होती है और नेकलेस तो उस पर और चार चांद लगा देता है ग्रेशियस मतलब बहुत ही पोलाइट और स्माइलिंग फेस होता है और बहुत ही ज़्यादा वो खुश होती है पार्टी में ठीक है ऑल द मैन नोटिस्ड हर आस्ट हर नेम एंड वॉन्टेड टू बी प्रेजेंटेड तो वहाँ पर सारे जो हैं आए हुए लोग उनको उसकी उसी को देखते हैं ठीक है और वो चाहते हैं टू बी प्रेजेंटेड मतलब वो जान पहचान करना चाहते हैं उससे ठीक है इस तरह की वो बहुत ही सुंदर लग रही होती है ठीक है शी डांसड विद एंथुजियाजम इंटॉक्सिकेटेड विद प्लेजर थिंकिंग ऑफ नथिंग बट ऑल दिस एडमेशन दिस विक्ट्री सो कम्प्लीट एंड स्वीट टू हार हार्ट तो वो वहाँ पर डांस करती है बहुत ही इंथुजियाजम से एंथुजियाजम मतलब स्पिरिट ठीक है बहुत ही ज़्यादा जो है हाँ वो अंदर से खुश होती है और वहाँ पे इंटॉक्सिकेटेड ऐसा लगता है कि वो अपने आप से कंट्रोल खो चुकी है इंटॉक्सिकेटेड होता है मतलब जैसे कोई नशे में होता है जो अपनी शुद्ध नहीं होती है जिसको ठीक है इस तरह से बोल सकते हैं ऐसे होती है और उसको बहुत ही खुशी होती है उस टाइम प्लेजर और वो उस टाइम कुछ भी सोच नहीं रही होती है सिर्फ ये उसका ये ड्रीम जो है हाँ पूरा हो गया जो वो बहुत सालों से देखती है एक जो है हाँ, रिचनेस देखती है अपनी वो खाबों में उसको जिस तरह का माहौल चाहिए होता है वैसा माहौल उस पार्टी में होता है ठीक है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और वो ऐसा उसको एक विक्ट्री सी महसूस होती है कि मैंने आज अपने सपने जी लिए जो मैं सपने सोचती थी, थी वो आज सब कुछ कंप्लीट हो गया आज इस पार्टी में मैं आकर बहुत ही खुश हूँ ठीक है तो वो सब कुछ उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है वो माहौल वो सब कुछ उसको बहुत ही अच्छा लगता है ठीक है देन शी वेंट होम टूवर्ड्स फोर ओ क्लाक इन द मॉर्निंग तो चार बजे वो घर जाते हैं मतलब कि चार बजे तक पार्टी उनकी चल रही होती है चार बजे वो घर जाते हैं सुबह ही हर हजबेंड बीन हाफ अ स्लीप इन वन ऑफ द लिटिल सैलून सैलून मीन्स रूम ठीक है तो उसका हस्बैंड जो है वहीं पे कोई रूम होगा जहां पर वो रात तक वहीं पर बैठे रहे आधा सो भी गया था वो और भी उसके साथ तीन जेंटलमैन और थे और वो उनके साथ सोया हुआ था वहाँ पर और उनकी वाइफ्स जो थी वो अपने आप को वहाँ पर एंजॉय कर रही थी देवर एन्जॉइंग दैमसेल्व वेरी मच ठीक है तो वो आपस में एंजॉय कर रही थी गप्पे लड़ा रही थी और उसका हस्बैंड जो है बाकी तीन मेंबर्स के साथ वहाँ पर सो गया था ठीक है तो वो चार बजे घर वापस आते हैं ठीक है Then he threw around her shoulders the modest wraps they had carried whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. तो अब जब वो बाहर निकलते हैं तो ठंड होती है तो वो अपने जो हैं हाँ, कंधे जो हैं हाँ, कवर कर लेते हैं मॉडस्ट रैप से मॉडस्ट मतलब कि बहुत ही लो क्वालिटी चीप ठीक है चीप क्वालिटी का जो हर रैप्स रैप्स मतलब एक श्रग्स टाइप की होगी जैसे इसने श्रग पहनी है ठीक है इस तरह की होती है तो वो शोल्डर पे पहनते हैं उसको और वो ऐसा लगता है कि बहुत ही जो है लो क्वालिटी की है गरीबी की एक निशानी जो है वो दिखाता है कि वो जो है उसके कपड़े जो हैं वो बाल कॉस्ट्यूम से मैच नहीं कर रहे थे ठीक है जो पार्टी में वो कपड़े पहन के गए थे उससे ये श्रग जो है ये मैच नहीं कर रही थी ठीक है तो वो इस तरह से पहनते हैं और उसके बाद शी विश टू हरी अवे इन ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस बाय द अदर वीमेन हु वर रैपिंग दैमसेल्फ इन रिच फर तो अब वो विश करती है कि हम यहाँ से जल्दी जल्दी में भाग लें ताकि कोई हमें नोटिस ना करे कोई हमें ये ना देखे कि हम कितने गरीब हैं हमने कितने लो क्वालिटी के रैप्स जो हैं अपने आप को लपेटा है उनसे क्योंकि वहाँ पे बाकी सारी वीमन्स जो थी उनके जो रैप्स थे जिन्होंने खुद की बॉडी को कवर किया था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे फर के थे बहुत ही सुंदर थे अच्छे क्वालिटी के थे ठीक है एज़ कम्पेयर टू देयर मॉडर्स रैप्स ठीक है तो इसलिए वो वहाँ से जल्दी में भागना चाहती थी तो वो वहाँ से जा रही थी तो लुजैल डिटेन्ड हर तो उसका पति जो है वो उसको रोक लेता है डिटेन मतलब रोकता है उसको बोलता वेट सेट ही आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब वो कहता है कि रुक जाओ हम टैक्सी बुलाते हैं और टैक्सी में हम घर चलेंगे ठीक है लेकिन अब लुजैल मैडम लुजैल जो है उसको क्या चाहिए उसको नोटिस नहीं होना है बाकी वमेन्स के पास ठीक है तो वो क्या करती वहाँ से चली जाती है उसकी बात नहीं सुनती है वो पैदल ही वहाँ पे चलती है बट शी वुड नॉट लिसन डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली लेकिन वो अपने पति की बात नहीं सुनती है और वहाँ से स्टेप बाय स्टेप जो है आगे बढ़ती जाती है पैदल चलती जाती है वन दे वर इन द स्ट्रीट दे फाउंड नो कैरिज तो जब वो गली में पहुंचते हैं ठीक है तो वहाँ पर उनको कुछ भी नहीं दिखता है कोई कैरेज नहीं है ठीक है कैरेज मीन्स जो uh, काट होती है घोड़ा गाड़ी ठीक है नो, उनको कुछ भी नहीं दिखता है एंड दे बिगिन टू सीक फॉर वन और वो वहाँ पर इसको जो है ढूँढने लगते हैं कि कोई कैरेज उनको मिल जाए ठीक है तो हेलिंग मतलब बुलाते हैं कोचमैन मतलब जो कार्ट को ड्राइव करता है ठीक है तो हु दे सॉ एट अ डिस्टेंस तो थोड़ी दूर चलते हैं लेकिन उनको वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखता ठीक है Then they walked along toward the river. अब वो river के along चलते जाते हैं hopeless and shivering. एक तो बहुत ठंड होती है और अब उन्हें कोई hope नहीं होता कि उन्हें कोई cart मिलेगी घर जाने के लिए ठीक है Finally they found one of those old carriages that one sees in Paris after nightfall. तो अब बहुत ही finally क्या होता है चलते चलते पैदल उनको एक बहुत ही पुराना कैरेज जो है मिल जाता है ठीक है जो सिर्फ रात में ही पेरिस में देखने को मिलता था वही जो है वो उसी पुराने से कार्ट में लिफ्ट लेते हैं और घर की तरफ चल पड़ते हैं इट टुक दैम एज़ फार एज़ देयर डोर एंड दे वेंट वेयरली अप टू देयर अपार्टमेंट तो ये जो है कार्ड जो है उनको उनके घर के दरवाजे तक छोड़ती है ठीक है और वो वहाँ से उतरते हैं अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं वेयरली मीन्स थके हुए क्योंकि पार्टी में गए हैं बहुत ही थक गए हैं ऑलरेडी और, और उसके बाद जब वो पैदल चलते हैं तो और ज़्यादा थक गए होते हैं तो वो जाके अपने घर में चले जाते हैं इट वॉज ऑल ओवर हर अब जो है सारी पार्टी जो भी उसकी जो थी खुशी थी वो सारी खत्म हो गई थी उस टाइम पे एंड ऑन हिज पार्ट ही रिमेंबर दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस पेन ओ क्लॉक तो अब पति की बात आ रही है कि उसको ये याद आ रहा है कि मुझे जो है दस बजे तक ऑफिस निकलना है ठीक है देन शी रिमूव द रैप्स फ्रॉम हर शोल्डर्स बिफोर द ग्लास फॉर अ फाइनल व्यू ऑफ हर सेल्फ इन हर क्लोरी तो अब जो है वो रैप्स जो है वो उतारती है अपना जो श्रग उसने पहना था अपने आपको कवर किया हुआ था ठीक है तो अब वो एक फाइनल व्यू लेना चाहती है अपना मिरर के आगे देखना चाहती है अपनी ग्लोरी तो मतलब अपनी ब्यूटी को वो दोबारा निहारना चाहती थी कि मैं कैसी लग रही थी ठीक है तो वो एक बार जब शीशे के आगे खड़ी होती है सडनली शी अटेड तो अर्टेड मीन्स मेक अ साउंड ऑफ अचानक से, से चिल्लाना ठीक है तो वो चिल्लाती है जोर से हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक तो वो क्यों चिल्लाती है शीशे के सामने जब खुद को देखती है तो उसके थ्रोट पे नेक पे नेकलेस नहीं होता है तो इसलिए वो अचानक से आवाज में चिल्लाती है लुजैल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड आस्क वॉट इज़ द मैटर तो लुजैल जो है वो ऑलरेडी उसने कपड़े चेंज कर लिए होते हैं अनड्रेस्ड हो चुके होते हैं वो ठीक है तो हाफ अनड्रेस्ड होता है दो तो इतने में भागता है अपनी पत्नी के पास जाता है और उसको पूछता है कि क्या हो गया वाट इज़ द मैटर शी टर्न टूवर्ड्स हिम एक्साइटेडली तो वो जै एक्साइटली उसकी तरफ घूमती है और बोलती है आई हैव आई हैव आई नो लॉन्गर हैव मैम फॉरेस्टर्स नेकलेस तो वो उसको बोलती है कि मेरे पास मैम फॉरेस्टर का नेकलेस नहीं है ठीक है ये सब उसको वो बताती है बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी होती है देन ही अरोज इन डिस मे वट हाउ इज़ दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल एंड दिट लुकड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस इन द फोल्ड ऑफ द क्लॉक इन द पॉकेट्स एवरीवेयर दे कु नॉट फाइंड इट तो वो कहता है क्या कैसा हो जिसमें भी से एक अलार्म सा उनको ऐसे शौक लग जाता है कि ऐसा क्या हो गया ये वट हाउ इज ऐसे कैसा हो सकता है ये पॉसिबल नहीं है ये सब उसका पति उसको बोलता है एंड द लुकड इन द फोल्ड ऑफ द ड्रेस अब वो जो ड्रेस की फोल्ड है उसमें भी ढूंढते हैं ठीक है और जो रैप उसने पहना था उसमें भी ढूंढते हैं पॉकेट्स में हर जगह वो ढूंढते हैं लेकिन उनको वो नेकलेस नहीं मिलता ठीक है ही आस्ट यू आर श्योर यू स्टिल हेड इट वेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स अब वो उसको बोलता है क्या तुम्हें पक्का पता है कि जब हम मिनिस्टर का घर जो है लीव कर रहे थे तो तुम्हारे गले में वो नेकलेस था वो कहती है यस आई फेल्ट इट एज वी केम आउट वो कहती है हाँ मैंने फेल्ट किया था मुझे महसूस हुआ था मेरे पास ही था वो नेकलेस जब हम हम वहां से बाहर आए थे देन बट इफ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी शुड है इन द कैब अब वो उसको बोलता है कि लेकिन अगर उसे हमने स्ट्रीट में खोया होता तो उसकी गिरने की आवाज़ हमें सुनाई देती तो इसका मतलब ये है कि जिस कार्ट में हम आए क्या पता वो उसी में रह गया हो ठीक है देन येस इट इज डिड यू टेक द नंबर वो कहती है हाँ ऐसा हो सकता है क्या तुमने नंबर लिया था कार्ट वाले का तो वो कहता है ना नो एंड यू डिड नॉट नोटिस व्हाट इट वॉस वो कहता है कि नोटिस भी नहीं किया तुमने तो वो कहती है नो no. ठीक है दे लुक डैट ईच अदर आटरली कास्ट डाउन फाइनली लुजार ड्रेस्ट हिमसेल्फ अगेन आई एम गोइंग ही सेड ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन फू टू सी इफ आई कैन फाइंड इट अब वो बोलता है उसको कि मैं जा रहा हूँ मैं ढूंढता हूँ जहाँ जहाँ हम पैदल गए थे वहाँ वहाँ पे मैं ढूंढता हूँ अगर मुझे मिल जाता है देखते हैं क्या हो सकता है ठीक है देन ही वेंट शी रिमेंट इन हर इवनिंग गाउन एंड नॉट द फोर्स टू गो टू बैड तो अब जो है वो वहां से चला जाता है ढूंढने लेकिन वो अपने इवनिंग गाउन में ही रहती है और उसको इतनी फोर्स नहीं है कि वो जाए और सो जाए ठीक है तो टुवर्ड्स तो सेवन ओ क्लॉक हर हस्बैंड रिटर्न ही हैड फाउंड फा। नथिंग तो सात बजे के करीब उसका हस्बैंड जो है घर वापस आता है लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिलता ठीक है ही वेंट टू पुलिस एंड टू द कैब ऑफिस एंड पुट एन एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़र ऑफरिंग रिवार्ड तो वो पुलिस के पास भी जाते हैं रिपोर्ट भी लिखवाते हैं न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट भी देते हैं और एक रिवार्ड ऑफर भी करते हैं कि जो नेकलेस हमें ला देगा हम उसको एक रिवार्ड देंगे ठीक है तो अभी भी ऐसा कुछ नहीं होता उनको नेकलेस नहीं मिलता शिवेटेड ऑल दे इन स्टेट ऑफ द बिल्डरमैन पूरे दिन वो वेट करती है कि कहीं से उसको जो है कोई न्यूज़ मिले लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता बी विडरमेंट मतलब कन्फ्यूजन जो है वो हमेशा उसके फेस पर रहती है फोर दिस फाइट फुल डिज़ास्टर लुजैल रिटर्न इन द इवनिंग और लुजैल जो है ऑफिस से इवनिंग में आता है उसका फेस भी जो है पेल हो गया थक चुका है और उसको भी कोई भी इंफॉर्मेशन जो है रिगार्डिंग नेकलेस नहीं मिली होती है ठीक है तो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल Sum up the short story. Okay. So, thank you, students.